नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जो भारत के प्रख्यात आधुनिक कलाकार हैं, जाने माने चित्रकार हैं राम कुमार, उनके चित्रों और उनके जीवन के बारे में जानते हैं। तो राम कुमार का जन्म 1924 में शिमला में हुआ था और उसके बाद इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए भी किया था और 1950 और 52 के बीच में उन्हें एक फेलोशिप मिली थी, जो उसके अध्ययन के लिए वे पेरिस चले गए और आंद्रे लहोत और फर्नांड लीगर से उन्होंने उनके निर्देशन में कला का अध्ययन किया। 1970 ईस्वी में JRD फेलोशिप लेकर वो अमेरिका भी चले गए। और प्रख्यात चित्रकार तो है ही, साथ में इन्होंने लेखन में भी अपना हाथ आजमाया है और अपने इस पारंगतता की वजह से भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा है। शुरू में तो वे उन्होंने फिगरेटिव पेंटिंग्स बनाई जिन्हें हम आकृति मूलक चित्र कहते हैं, और बाद में ऐसे इन चित्रों में उन्होंने बहुत ही ज्यादा मध्यम वर्गीय विषाद और पीड़ा और बेरोजगारी आदि भावों को दिखाया और उनका मार्मिक चित्रण किया। लेकिन बाद में लगभग 6 दशकों तक उन्होंने केवल और केवल लैंडस्केप ही पेंट किए और यही लैंडस्केप उनकी प्रमुख पहचान बनी। 1958 में दिल्ली के शिल्प चक्र में राम कुमार ने अपनी एकल प्रदर्शनी लगाई। राम कुमार जो था वो निर्मल वर्मा के भाई थे। निर्मल वर्मा स्वयं एक प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, लेखक हैं, इसीलिए शायद राम कुमार भी लेखन के क्षेत्र में आए, उनका रुझान बढ़ा और उन्होंने लेखन किया। 1982 में जब भारत भवन का उद्घाटन होने जा रहा था तो हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं कि जगदीश स्वामीनाथन ने भारत भवन की स्थापना करी थी। तो उनकी मदद के लिए जो और भी कलाकार आए उसमें MF हुसैन, राम कुमार, अकबर पद्मसी और कृष्ण खन्ना आदि कलाकार भी भारत भवन के उद्घाटन के समय उनकी मदद के लिए आगे आए थे। भारत भवन की जो कला दीर्घा में उनका चित्र प्रदर्शित था तो ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त उपराष्ट्रपति जस्टिस हिदायतुल्ला जब उनके पेंटिंग देख रहे थे तो उसके राम कुमार की कृति को रूप में उन्होंने पहचान लिया था। तो इस तरीके से उनकी कृति इतनी प्रसिद्ध थी कि मात्र उनके पेंटिंग्स की जो पहचान है वो उनकी चित्राकृतियों से ही हो जाती है, भले ही वो उनका नाम एक बार को चित्र में ना पढ़े। तो राम कुमार का जो नेचर था वो बहुत ही चुप रहने का था। अक्सर वो जितनी भी गोष्ठियां होती थी, महफिलें होती थी, उसमें अक्सर वे चुप ही रहा करते थे और यही चुप्पी जो है वो उनके चित्रों में भी साफ झलकती है। उनके चित्रों में भी यही चुप्पी मुखर होती है और जैसे वासुदेव गायतोंडे हैं तो उनके चित्र के समान ही राम कुमार के चित्रों में भी इसी तरह की मौन जो था उसको चित्रित करने में वे पारंगत हो गए थे। अब उनकी कला का साहित्य से भी गहरा संबंध था। इस विषय में अगर हम चर्चा करते हैं तो वे उन चुनिंदा मॉडर्न आर्टिस्ट में थे जो पेंटिंग और कलम में बराबरी का अधिकार रखते थे। उन्होंने शुरू में कुछ हिंदी कहानियां और एकाध उपन्यास भी लिखे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी 5 कहानी संग्रह तो छप चुके हैं और भारतीय साहित्य जगत में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए 1975 में हिंदी कहानीकार के रूप में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। अब राम कुमार ने शुरू में बहुत ही मार्मिक कहानियां, निम्न मध्यम वर्गीय जीवन और उसकी उदासी और विडंबनाओं के बारे में लिखी थी। तो यहीं से आप देखेंगे कि ये जो मार्मिकता है मध्यम वर्गीय परिवार की, वही उनके चित्रों में भी आई। जो शुरुआती उनकी फिगरेटिव पेंटिंग्स थी, शैली थी जो, उसमें यही चीज उन्होंने पेंटिंग्स में भी निकाली जो उनके लेखन में भी रही थी। अब उन 60 के दशक में कुणिका आर्ट गैलरी दिल्ली में है तो इलियट की एक रचना है द वेस्टलैंड, उनकी कविता है, तो उसको उन्होंने प्रणति देने के लिए पूरी की पूरी चित्र प्रदर्शनी थी वो डेडिकेट करी वेस्टलैंड को। तो आप देखेंगे ये उनकी वो पेंटिंग है जिसमें होमेज टू वेस्टलैंड नाम की पूरी श्रृंखला है। तो इस तरीके से उन्होंने इलियट की कविता को अपना डेडिकेशन दिया था। इस तरीके से राम कुमार फ्रांस के कई बड़े कवियों जैसे लुई अरुंगा, पाल एलुआर आदि को पर्सनली जानते भी थे और उनका संपर्क सारे कवि और साहित्यकारों से निजी तौर पर भी था। जैसे हम बात करें भारतीय साहित्यकारों की तो कृष्ण व श्रीकांत वर्मा है, कृष्ण बलदेव वेद हैं, अज्ञेय हैं, इन सभी से राम कुमार के बहुत अच्छे संबंध थे। और ये सभी जो नाम मैंने गिनाए ये सभी अपने अपने क्षेत्र में, ये देखेंगे श्रीकांत वर्मा है, उसके बाद कृष्ण बलदेव वेद हैं, अज्ञेय हैं। तो अगर मैं अज्ञेय के बारे में बताऊं तो सच्चिदानंद, ये
हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम है, और ये कवि, शैलीकार, कथा साहित्य थे, और इन्होंने महत्वपूर्ण मोड़ दिया कथा साहित्य को, और निबंधकार, संपादक आदि, अध्यापक भी थे सभी कार्यों में। इस तरीके से इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ भी राम कुमार का संपर्क था। अब हम बात करें तो मुक्ति बोध, जो कि स्वयं एक बहुत बड़े कवि, निबंधकार, साहित्यकार और राजनीतिक समीक्षक भी रहे हैं, तो मुक्ति बोध जो थे 1964 में जब वो दिल्ली के एक अस्पताल में बीमार हुए थे, अचेत थे, तो राम कुमार ने उनके बहुत सारे स्केच किए थे। तो ये जो स्केच किए थे राम कुमार ने मुक्ति बोध के, वो उनका एक कहानी संग्रह था, चांद का मुंह टेढ़ा है, उसमें ये स्केचेस प्रकाशित हुए थे राम कुमार ने, जो उनके लाइव स्केचेस किए थे। तो इस तरीके से अज्ञेय के वे हमेशा निकट रहे थे, और उनकी एक जो पंक्ति है अज्ञेय की, कि मौन भी अभिव्यंजना है, तो ये जो पंक्ति है वो राम कुमार के चित्रों पर पूरी तरीके से लागू होती है। उनके आरंभिक चित्रों में मानव आकृतियां थी, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब उनके आरंभिक चित्रों के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो चित्र हैं, आप देखेंगे कि ऐसे चित्र में मध्यम वर्गीय के जो मानव छवियां हैं, और उदास नजर आती हैं, अलग थलग सी नजर आती हैं, बाद में उनकी प्रकृति की ही अपनी मानवीय चिंता और जिज्ञासा खोजने, व्यक्त करने का माध्यम बनाया। तो आप देखेंगे कि बहुत ही यूथ, ये चित्र जो आप देख रहे हैं यूथ का है, पूरा सूट वगैरह पहना हुआ है, सूट कोट मतलब पूरी तरह शिक्षित है, डिग्री होल्डर है, लेकिन बेरोजगार है, चेहरे पर दुख और निराशा है। ऐसे एक मिडिल क्लास फैमिली के भावों को उन्होंने अपने चित्रों में संजोया है। तो इस तरह ये जो इनके चित्र थे, इनके विषय भी इसी तरीके थे, जैसे कुतूहल है, विस्मय है, पीड़ा, बेरोजगार या निराश्रित, इस तरह के शीर्षकों से उन्होंने ये पूरी श्रृंखला तैयार करी थी। तो इनकी इन कृतियों में जो थी वो पूरी तरीके से मानवीय संवेदना और त्रासदी झलकती है, और उस वक्त का सामाजिक परिवेश भी हम इन चित्रों में पा सकते हैं। तो उनकी कृतियों का जो स्वर था वो पूरी तरीके से मानवीय संवेदनाओं में ही निहित था। अब हम बात करते हैं उनके बाद के चित्रों की। तो आप देखेंगे बाद के चित्रों में ये आकृतियां बिल्कुल गायब हो गई, और अब वे ज्यादातर लैंडस्केप ही करने लगे। तो ये जो लैंडस्केप है इनके, ये लैंडस्केप भी एक तरीके के इनस्केप है। इनस्केप मतलब उनके पूरे आंतरिक भावों का प्रदर्शन है। बाह्य रूप में ही मात्र दृश्य चित्र नहीं बनाए गए, बल्कि पूरी तरीके से भाव व्यंजित चित्र ये जो है उनके दृश्य चित्र हैं। और ये जो दृश्य चित्र हैं वो अमूर्त शैली में बने हैं, जिन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, अमूर्त बोलते हैं, और अमूर्तन के इन्हें श्रेष्ठ चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरीके से रामकुमार जब चित्रों में अमूर्तन की ओर झुके, तो वो एक श्रेष्ठ कलाकार के रूप में साबित हुए, और क्योंकि वह कम बोलने में विश्वास करते थे, तो चित्रों में भी वे बहुत ही कम और किफायत और संयम से काम लेते थे। तो उनका यहाँ बोलना लगभग उनके चित्रों का ही सहज स्वभाव है। तो आप खुद देख रहे हैं कि ये जो चित्र हैं बहुत ही कम और किफायती रंगों के साथ, आकारों के साथ उन्होंने पूरी तरीके से अमूर्त शैली में बनाए हैं। राम कुमार जो थे वो एम एफ हुसैन, तैयब मेहता और सैयद हैदर रजा, इन सबकी पीढ़ी के ही कलाकार थे। तो आप फोटो में देख रहे हैं कि तैयब मेहता है, एम एफ हुसैन है, फिर राम कुमार ये बैठे हुए हैं, पास में बात है ये कपिला वात्सायन भी बैठी हुई हैं, और साथ ये एम एफ हुसैन के साथ बहुत ही युवा अवस्था का चित्र है राम कुमार का। तो जो भारत में जब स्वतंत्रता आंदोलन खत्म हुआ था, तो उसके पश्चात ये दूसरी पीढ़ी के कलाकार थे। जैसे पहली पीढ़ी में अवनींद्रनाथ ठाकुर, जितने भी बंगाली कलाकार थे वो सब दिग्गज, और उनके बाद की दूसरी पीढ़ी के को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम उनकी पेंटिंग द वेगा वॉन्ड की बात करते हैं। ये जो पेंटिंग है न्यूयॉर्क के क्रिस्टीज गैलरी में 11 लाख रुपए में बिकी थी, द वेगा वॉन्ड। और उसके बाद उन्हें पद्म भूषण के साथ उत्तर प्रदेश का प्रेमचंद पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार का कालिदेस सम्मान और ललित कला अकादमी की फेलोशिप भी मिली थी। ये उनके वो अमूर्त शैली के चित्र हैं जिन्हें हम आप देख रहे हैं। इन्होंने अपने रंगों तथा जो ब्रश के स्ट्रोक्स हैं, उनके एक अजीब ही तरीके से वातावरण, अजीबोगरीब दुनिया तैयार करी अपने चित्रों में। और ये जो दृश्य चित्र आप देख रहे हैं बारी बारी से, उनकी एक पूरी कहना चाहिए कि कला यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई, और इसी शैली ने, इसी अमूर्त दृश्य चित्रों ने राम कुमार को पूरे विश्व में विशिष्ट पहचान दिलाई।
अपनी जब वो ग्रीस की यात्रा से लौटे तो अपने यूनानी कला प्रणालियों पर भी उन्होंने गौर किया था, और इनकी तकनीक पर विभिन्न प्रभावों का मिला जुला असर भी हमें देखने को मिलता है। तो 1970 के पश्चात उनके चित्रों में जो अमूर्तता सबसे ज्यादा प्रदर्शित होने लगी थी, क्योंकि फर्नांड लीजे से उन्होंने क्यूबिस्ट शैली सीखी थी, तो इसलिए उनके बाद में जो कला में जो क्यूबिज्म भी नजर आने लगा। तो ये जो देख रहे हैं अभी थोड़ा थोड़ा घनवादी शैली जिसे हम क्यूबिस्ट शैली कहते हैं उसका प्रभाव नजर आता है, और यही शैली उन्होंने बाद में जो धनराज भगत हैं बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं उनको भी अपनाने की सलाह दी थी। तो ये जो चित्र देख रहे हैं ये इनकी अमूर्त शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से माने जाते हैं, और इसी शैली में उन्होंने बनारस श्रृंखला भी तैयार करी थी। उस बनारस श्रृंखला के चित्रों में बहुत ही कहना चाहिए कि मिनिमलिस्टिक रूप में कहीं घाट नजर आते हैं, कहीं नाव है, बालू रेत है, गंगा नदी है, उसके किनारे बहुत छोटे छोटे से लोग भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो बनारस श्रृंखला है ये भी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। इनके इसी तरह के चित्रों में कई इन्होंने शीर्षक भी ऐसे ही दिए जैसे खंडर, घाट, शहर, नदी, अंधेरे उजाले, इस तरह के शीर्षक से इन्होंने अमूर्त शैली के अपने चित्र तैयार किए। तो लगभग 7 दशकों तक एकनिष्ठ भाव से इन्होंने अपने कला को दिए, और बहुत ही ईमानदारी के साथ इन्होंने जो कलागत तकनीक है उनकी सीमाओं का कभी भी अपने चित्रों में अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि एक कलाकार के रूप में उन्होंने पूरी तरीके से संयम बरता और संयत रहे। तो रामकुमार का निधन 2018 में 93 वर्ष की आयु में हो गया था, और वे आधुनिक भारतीय कला के मूर्धन्य कलाकार रहे और रजा के भी घनिष्ठ मित्र थे, और इन्होंने अंतिम समय तक भी काम किया और अपने चित्रों में बहुत ही नए नए प्रयोग किए। तो रामकुमार अपने चित्रों में हमेशा नवीन प्रयोगवादी कला के साथ खतरों के साथ खेलते रहे। कई बार जब उन्हें कालिदास सम्मान दिया था तो निर्णायक मंडल ने उनकी कला के बारे में कहा था कि रामकुमार अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियां निर्मित करते हुए एकनिष्ठ भाव से कला साधना में जुटे हैं। अपनी कृतियों के द्वारा उन्होंने ईमानदार सर्जक के रूप में प्रतिमान स्थापित किए हैं, और इसी के आगे जब ललित कला अकादमी द्वारा रामकुमार की कला यात्रा पर एक पुत्री जो कहना चाहिए कि पुस्तिका भी प्रकाशित करी थी, और उसमें उस पुस्तिका में कुछ उनके रंगीन चित्र थे, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट चित्र थे और कुछ रेखा चित्र भी थे जो ललित कला अकादमी ने प्रकाशित किया। इस तरीके से कला में भारतीयता एवं सृजनात्मकता के संदर्भ में रामकुमार स्वयं कहते हैं कि भारतीय चित्रकला यहाँ के जनजीवन की उपज है, इसमें उपस्थित सभी तत्व भारतीय हैं, उन पर किसी अन्य क्षेत्र की कला को आरोपित नहीं किया जा सकता है। और यही इसी इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने अपनी कला के साथ भी पूरी ईमानदारी बरती और कला और लेखन दोनों में एक साथ पारंगत हुए। धन्यवाद।